पहले दर्जा गया, अब बंगला भी जाएगा। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अब सरकार एनसीपी और सीपीआई से दिल्ली में अलॉटेड बंगले खाली करने के लिए भी कह सकती है। दरअसल नियम ये है कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है तो उसे दिल्ली में एक सरकारी बंगला मिलता है। और अब ये पार्टी नेशनल पार्टी तो रही नहीं, तो अब बात करते हैं इन बंगलों के भाग्य की। जी हाँ, कि ये इनके पास रहेंगे या नहीं, या फिर इन्हें कोई नया हकदार मिलेगा। चलिए क्या होगा इनका मैं बताता हूँ आज के इस वीडियो में। एक्सपर्ट्स की माने तो सीपीआई को अजॉय भवन रखने का अधिकार मिलेगा। क्यों, इसका जवाब मैं आगे दूंगा, फिलहाल इस पे बात करते हैं। असल में इसका केंद्रीय कार्यालय 1967 में पार्टी को आवंटित कोटला रोड पर बनाया गया था, लेकिन सीपीआई के महासचिव डी राजा को जो बंगला आवंटित है पुराना किला रोड पर टाइप 7 वाला बंगला, वो खाली करना होगा। इसी तरह शरद पवार की एनसीपी को भी अपना पार्टी कार्यालय चलाने के लिए आवंटित 1 कैनन रोड वाला बंगला खाली करना होगा। हालांकि दिसंबर 2013 में सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो टीएमसी को आवंटित 1008 वर्ग मीटर की जमीन है, उस पर अभी भी सस्पेंस जारी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि सीपीआई और एनसीपी को भी बंगला खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। अब पहले बात करते हैं अजॉय भवन की, कि आखिर वो क्यों नहीं खाली करना होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी को रियायती दरों पर जमीन दी जाती है। एक बार जब पार्टी पेमेंट कर देती है और कब्जा ले लेती है और अपना कार्यालय भी बना लेती है, तो जमीन उसके पास रहती है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी रहे या ना रहे। और ये फ्री होल्ड जमीन है और इसे सीपीआई ने सरकार से खरीद लिया है, तो इस वजह से अजॉय भवन सीपीआई को खाली नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीएमसी की। टीएमसी को दिसंबर 2013 में अपने कार्यालय के लिए सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय रोड पर 1000 वर्ग मीटर की जमीन दी गई थी, लेकिन पार्टी ने अभी तक इस पर कब्जा नहीं लिया है। और दो मंदिर सहित कई अतिक्रमणों का हवाला देते हुए उसने यहां पर अभी कोई बंगला नहीं बनाया है। अधिकारियों का कहना है कि टीएमसी कब्जा लेने और रियायती भूमि दर का भुगतान करने के बाद जमीन रख सकती है, लेकिन पार्टी ने इसे फर्जी आवंटन कहा और वो इसे लेने से इनकार कर रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा और हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।